गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में वाहन चोरों का सक्रिय गिरोह दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। बीते 7 मार्च 2022 को छोटकी खड़गड़ीहा निवासी दिनेश कुमार की पिकअप बेलोरे वैन में लदी रड सहित वाहन को अज्ञात चोरों ने टपा लिया। इस मामले में बेंगाबाद पुलिस ने कांड संख्या 43/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन अब तक चोरों के गिरेबान तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों में गुरुवार को पंचायत सचिवालय छोटकी खगड़ीहा में आए दिन लगातार हो रही मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य महेश राम, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि बाबू चंद साव और छोटकी खगड़ीहा पंचायत के मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि बेंगाबाद प्रशासन युक्त मामले में अविलंब आवेदन करें, नहीं तो त्यौहार के बाद आंदोलन के लिए छोटकी खगड़ीहा क्षेत्र की जनता निर्णय लेगी। बताया गया कि चोरों के गिरेबान तक पुलिस पहुंचने में विफल साबित हो रही है, जिसे लेकर चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पूर्व में भी छोटकी खगड़ीहा हाट से कई मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों ने टपाया है, जिससे चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बैठक में शामिल मनोज कुमार वर्मा, दिनेश कुमार भोला दास, अर्जुन साहब भुवनेश्वर साहब, मोहम्मद शमसुल अंसारी, नरेश कुमार दास, राजकिशोर प्रसाद अग्रवाल, उदयकांत चौधरी, रजाक अंसारी, कृष्णा पंडित, इतवारी साव, अर्जुन महतो, अर्जुन पंडित समेत कई लोग मौजूद थे। विगत कई महीनों से छोटकी खगड़ीहा चौक और छोटकी खगड़ीहा हाट में मोटरसाइकिल की चोरी हो रही थी। कई बार उस पर कार्रवाई भी हुआ, कई बार कार्रवाई से लोग बच भी गए। और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा जी, बाबू चंद साहब जी और व्यवसायीगण और यहाँ के क्षेत्र में रहने वाले जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों का इस पर कहना है कि आए दिन इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है और विगत दिनों भी गंगाधर राणा जी का मोटरसाइकिल छोटकी खगड़ीहा चौक से चोरी हो गई और अपने व्यवसायी दिनेश राम जी जिसकी पिकअप वैन और पिकअप वैन पर 35 क्विंटल छड़ लदा हुआ था, वो गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी सूचना यहाँ के स्थानीय मुखिया ने प्रशासन को दिया और पूरी लोकेशन को बताया गया, फिर भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो आज तमाम गांव के प्रबुद्ध लोग, इस पंचायत के प्रबुद्ध लोग यह निर्णय लिए हैं कि हम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि जल्द इन मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई हो, नहीं तो आने वाले दिन में हम आंदोलन के लिए बाध्य हो गए। और इसी के लिए आज हम सभी लोग बैठे हैं। और जिस प्रकार से छोटकी खगड़ीहा में करीब 2-3 पंचायत चाहे 5 पंचायत के जो इस तरफ का जमवाड़ा होता है और उसकी सुरक्षा अगर नहीं हो पाए और बदनामी छोटकी खगड़ीहा को लगे, यह हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि तत्काल इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज छोटकी खगड़ीहा ग्रामीण क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया कि चूँकि छोटकी खगड़ीहा साप्ताहिक हाट से प्रति सप्ताह एक बाइक की चोरी होना निश्चित है और गत दिन 7 मार्च को प्रातः 12:30 बजे के आसपास में छोटकी खगड़ीहा बाज़ार के दिनेश कुमार का पिकअप वैन बेलोरो में मोंगिया रड 35 क्विंटल लदा हुआ दरवाजे पर से चोरी हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को ससमय दिया गया और उसका लोकेशन भी बताया गया, क्योंकि उस गाड़ी में GRPS लगल था और चोर के द्वारा कुछ दूर पर जाकर उसको खोल दिया गया, लेकिन लोकेशन तो समझ में आया कि किस क्षेत्र में गाड़ी लेके जा रही है। ये जानकारी प्रशासन को देने के बाद भी
अब तक उस मामले का उद्भेदन नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सामने जो होली का त्योहार है, होली के त्योहार तक इस मामला का उद्भेदन प्रशासन नहीं करती है तो स्थानीय ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए स्वतंत्र होंगे, बाध्य होंगे और इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। धन्यवाद।